वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे कि किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड की जाती है बिना किसी मल्टीमीटर के। आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टर होता है इसमें कुछ कलर बैंड्स दे रखे होते हैं, ये इस तरह से। जैसे हमारे पास ये जो एग्जांपल के तौर पर रखे हुए हैं, ये कलर बैंड दे रखे हैं इसमें, ये ब्राउन, फिर ग्रे, फिर अगेन ब्राउन और ये गोल्डन बैंड। इसी तरह से इसमें भी दे रखे हैं ब्राउन, ब्लैक, रेड और फिर ये गोल्डन रिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड ये सेम गोल्डन। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कलर बैंड्स होते हैं ये 3 से लेकर 6 तक वेरी करते हैं किसी भी रजिस्टर में। मिनिमम 3 होंगे और मैक्सिमम 6 होंगे। ज़्यादातर जो है हमें नॉर्मली 4 बैंड्स के ही रजिस्टर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये रखे हुए हैं तीनों रजिस्टर में 4 बैंड्स हैं, 4 कलर बैंड्स। तो ये कलर बैंड्स इंटरनेशनल लेवल पे बनाए गए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका कोडिंग जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। किसी भी रजिस्टर के रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसके कलर बैंड्स की कोडिंग होती है, उस कोडिंग को समझने के लिए हमें ये टेबल यूज़ करनी पड़ेगी कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। कलर कोडिंग को रिमेंबर रखने के लिए हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, वो सेंटेंस होता है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तो अब ये सेंटेंस हमने याद कर लिया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तो अब इसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनके थ्रू हम कलर्स राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट वाले बी से हो गया ब्लैक, सेकंड बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ग्रेट के जी से ग्रीन, ब्रिटेन के बी से ब्लू, वेरी के बी से वॉयलेट, लास्ट ये जो जी है इससे हो गया ग्रे और डब्ल्यू से हो गया वाइट। तो यानी हमारा जो फर्स्ट कलर है यहाँ पे वो ब्लैक है और जो लास्ट कलर आया वो आया वाइट। तो बेसिकली हमारे जो कोडिंग है ब्लैक से वाइट की तरफ जा रही है। अब हम इसमें डिजिट नोट करेंगे, तो वही हम काउंटिंग शुरू से स्टार्ट कर देंगे। काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो डिजिट फर्स्ट के लिए यानी ब्लैक के लिए हो गए 0, ब्राउन के लिए हो गए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। अगेन हम फिर मल्टीप्लायर नोट करेंगे। मल्टीप्लायर में क्या होता है, हम जितने भी जो हमारे डिजिट आई है उसके 10^10 उसी को लिख लेते हैं। तो यानी ब्लैक के लिए हमारा क्या होगा 10^0, ब्राउन के लिए 10^1, रेड के लिए 10^2, ऑरेंज के लिए 10^3, येलो के लिए 10^4, ग्रीन के लिए 10^5, ब्लू के लिए 10^6 एंड वॉलेट के लिए 10^7, ग्रे के लिए 10^8 एंड इन द लास्ट 10^9 वाइट के लिए। अब हमें यहाँ पे टॉलरेंस भी नोट करनी होती है। टॉलरेंस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो रजिस्टर्स होता है रजिस्टर कलर कोडिंग के थ्रू जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं रेजिस्टेंस की, तो वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नहीं आती, वो प्लस माइनस ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो वो कितने परसेंट ऊपर नीचे हो सकती है वो हमें से टॉलरेंस लेवल से पता चलता है। तो इसके लिए हम 2 कलर और यूज़ करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। इसी से हम आगे बढ़ा सकते हैं कि वाइफ जो होती है उसको क्या पसंद आता है, सोना और चांदी, यानी गोल्ड एंड सिल्वर।
वाइफ को गोल्ड एंड सिल्वर पसंद आता है, और सोना ज्यादा मतलब गोल्ड ज्यादा महंगा होता है, इसलिए गोल्ड पहले पसंद आएगा और सिल्वर बाद में पसंद आएगा। इस सेंटेंस के थ्रू जो है ये गोल्ड और सिल्वर भी याद रख सकते हैं। तो गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस लेवल होता है वो होता है 5%, हम मतलब लीस्ट वैल्यू से काउंट कर रहे हैं, और सिल्वर के लिए होता है वो 10%। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, तो उससे हमें पूरा जो है टेबल हम उससे बना सकते हैं कलर कोडिंग की। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक रीडिंग लेके बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर की स्टार्टिंग हमें इस तरह से करनी होती है कलर कोडिंग की, कि जो गोल्ड या सिल्वर कलर हो वो जो हो राइट साइड में हो। गोल्ड और सिल्वर जो ये मतलब रिंग दे रखा है, यानी ये जो बैंड दे रखा है, गोल्ड और सिल्वर जो बैंड है वो राइट साइड में हो। अब इस वाले रजिस्टर में जो हमारा ये फर्स्ट कलर आया है ये ब्राउन है, ब्राउन के लिए हमारे जो डिजिट आई थी वो आई थी 1। ब्राउन के लिए हमारी जो डिजिट थी वो 1 आई थी। दूसरा जो कलर है ये ग्रे कलर है, ग्रे के लिए हमारी जो डिजिट आई थी वो आई थी 8। अब ये जो थर्ड कलर होता है, पहले तो हमें क्या करना होता है, जितने भी बैंड्स दे रखे होते हैं उनमें से जो ये लास्ट वाला यानी सिल्वर और गोल्ड जो बैंड है इसको थोड़ी देर के लिए हमें इग्नोर कर देना होता है। तो बाकी के जो बैंड्स बचते हैं, यानी ये तीन जो बैंड्स बचे हैं, इनमें से जो शुरू के दो बैंड्स हैं वो तो डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो थर्ड बैंड है वो मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट बैंड का 1, सेकेंड बैंड का 8, और थर्ड बैंड का जो हो गया, यानी थर्ड बैंड के लिए हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे 10^1, क्योंकि ब्राउन के लिए जो वैल्यू आ रही थी हमारी डिजिट की वो 1 आई थी, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू भी ब्राउन के लिए 10^1 थी। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 180 ओम। अब ये 180 ओम जो वो एग्जैक्ट नहीं होगी, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। वो प्लस माइनस कितना होगा, गोल्ड कलर के लिए हमारे पास ये गोल्डन बैंड दे रखा था, गोल्ड के लिए हमारी जो टॉलरेंस लेवल थी वो थी प्लस माइनस 5%। तो यानी ये जो हमारे पास रेजिस्टर गिवन है इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 180 से प्लस 5%, यानी से 180 का 5%, यानी 5% जो 180 का है वो ज्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। 180 का 5% जो होता है वो होता है 9। तो इस रजिस्टर की हमारी रेंज जो हो गई प्लस माइनस, अगर हम इसमें 5% लगा देंगे तो वो हो जाएगी 171 ओम से लेकर 189 ओम्स तक। तो ये इसकी रेंज आई है इस रजिस्टर की। तो मतलब हमारे पास ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू 171 ओम से लेकर 189 ओम्स तक कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा है 4 वैल्यूज का। इसी तरह से हमारे पास ये और डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, इनमें भी 4 बैंड्स है, क्योंकि ज्यादातर हमें 4 बैंड्स के रजिस्टर्स मिलते हैं, इनकी भी वैल्यू हम इसी तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। बाई चांस आप समझिए, आपके पास अगर कोई रजिस्टर आ जाता है जिसमें 5 बैंड्स होते हैं, तो 5 बैंड्स के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करिए ये एक रजिस्टर है जिसमें 5 बैंड्स है, फर्स्ट बैंड ये, सेकंड बैंड ये, थर्ड बैंड ये, फोर्थ बैंड ये, और फिफ्थ बैंड ये। अब ये जो फिफ्थ बैंड है जो हमें राइट साइड में रखना है वो या तो गोल्ड का होगा या सिल्वर का होगा। तो सपोज करिए जो है सिल्वर का है, और ये जो फर्स्ट 4 कलर्स हैं इनको भी हम नेमिंग दे देते हैं। सपोज करिए फर्स्ट वाला हो गया रेड, सेकंड को ब्राउन मान लेते हैं, थर्ड को ग्रीन मान लेते हैं, और ये फोर्थ कलर को येलो मान लेते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास 5 बैंड्स का कोई रजिस्टर हुआ तो उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। तो अगेन सिल्वर वाला जो है उसको तो हम अभी थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये 4 बैंड्स बचे, 4 बैंड्स में से जो जो शुरू के 3 बैंड्स है अब इनको हम डिजिट काउंट करेंगे, और जो जो फोर्थ वाला बैंड है इसको एज ए मल्टीप्लायर भी यूज करेंगे। तो यानी कि रेड बैंड अगर है तो हमारे पास फर्स्ट बैंड अगर रेड है तो उस रजिस्टर में रेड की वैल्यू होती है 2 डिजिट्स में, ब्राउन की होती है 1, और ग्रीन की होती है वैल्यू 5 इन 2 में,
मल्टीप्लायर हमारा कितना हो गया, 10 to power येलो, येलो की वैल्यू मल्टीप्लायर में कितनी थी, 10 to power 4। तो ये जो है ये हमारी रेजिस्टेंस ओम्स में आएगी इस रेजिस्टर के लिए। इसको हम अगर किलो ओम्स में लिखना होगा तो हम इस तरह से लिख देंगे 2150 किलो ओम्स। और इसमें हमारे पास ये सिल्वर बैंड है, तो सिल्वर बैंड का मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू जो है प्लस माइनस 10% ज्यादा हो सकती है। तो इसका 10% हो गया 215। इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, इस रजिस्टर की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 1935 किलो ओम से लेकर 2365 किलो ओम्स तक। थैंक यू।